हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल पे। लेक्चर ऑन सीआरपीसी के अंतर्गत पिछली बार हमने लोक व्यवस्था एवं प्रशांति बनाए रखने अध्याय 10 को देखा था, जो चार भागों में बटा हुआ था सेक्शन 129 से लेके 148 तक। आज के वीडियो में हम पुलिस का निवारक कार्य देखेंगे, प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस, कैसे एक पुलिस क्या निवारक काम करती है। तो सामान्य रूप से यदि हम देखें, हम लौकी भाषा में अलग देखेंगे सेक्शन 149-153 तक कि पुलिस क्या क्या काम करती है। पुलिस का काम है समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखना। कुछ भी उनको ऐसा लगता है जो संगे या संगे मामले से संबंधित है या किसी अन्य ऐसी लोक व्यवस्था से संबंधित है जहाँ पर लोगों को नुकसान हो सकता है, समाज को नुकसान हो सकता है, समाज में अव्यवस्था फैल सकती है, तो वो सारे के सारे काम वो करते हैं। चाहे वो बाँट से संबंधित हो, स्टाम्प से संबंधित हो, फॉर्जरी से संबंधित हो, मकान किसी के कब्जे से संबंधित हो या संज्ञेय अपराध संबंधित हो। तो दोस्तों चलते हैं और देखते हैं सेक्शन 153 तक आपका पुलिस का निवारक कार्य 149-153। तो हम आ गए हैं स्क्रीन पे। आज हम देखने वाले हैं अध्याय 11, पुलिस का निवारक कार्य, प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस। इसमें सेक्शन 149 से लेके 153 हैं जो बताते हैं हमको कि पुलिस कैसे निवारक कार्य करती है, कैसे प्रिवेंटिव थ्योरी के ऊपर काम करती है। तो सेक्शन 149 कहता है पुलिस का संज्ञेय अपराधों का निवारण करना। संज्ञेय अपराध कौन से हैं हम जानते हैं। संज्ञेय अपराध मतलब वे अपराध हैं जो गंभीर किस्म हैं के अपराध होते हैं जिन्हें पुलिस बिना वारंट के, बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के आदेश के गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि इसमें जो अपराध होता है वो गंभीर किस्म का होता है और ऐसे अपराध के लिए दंड की व्यवस्था जो है 2 वर्ष या उससे अधिक के ऊपर के कारावास सारे संज्ञेय मामलों में आते हैं। तो हम देखते हैं सेक्शन वाइज, प्रत्येक पुलिस अधिकारी किसी संज्ञेय अपराध के किए जाने का निवारण करने के प्रयोजन से हस्तक्षेप कर सकेगा और अपनी पूरी सामर्थ्य से उसे निवारित करेगा। मतलब कोई भी पुलिस अधिकारी यदि ऐसा कोई अपराध होते हुए देखता है, जो संज्ञेय किस्म का है, तो वो अपनी पूरी सामर्थ्य से उसको रोकने का प्रयास करेगा और यदि नहीं भी रोक पाता है तो उसके बाद की कार्यवाही करने के लिए वो तत्पर रहेगा और तत्पर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसका काम है और उस काम को वो बड़ी तन्मयता के साथ कंप्लीट करेगा, क्योंकि उसका काम है अपराध, संज्ञेय अपराध किए जाने का निवारण करना कि ऐसा अपराध हो ही ना पाए। ये होता है तो उसके बाद की कार्यवाही वो तुरंत करेंगे और कितनी कोशिश करेंगे, पूरे सामर्थ्य के साथ उसको करने की कोशिश करेंगे। सेक्शन 150 है संज्ञेय अपराधों के किए जाने की परिकल्पना की इत्तला। मतलब जैसा कि इसके हेड से समझ में आ रहा है, संज्ञेय अपराधों किए जाने की परिकल्पना। मान लो कोई संज्ञेय अपराध होने वाला है, उसकी कोई को परिकल्पना कर रहा है, कोई विचार कर रहा है, कोई आशय बना रहा है, कोई हेतु बना रहा है, कोई तैयारी कर रहा है उससे संबंधित, और ऐसी इत्तला मिल जाती है तो क्या होगा। प्रत्येक पुलिस अधिकारी जिसे किसी संज्ञेय अपराध को करने की परिकल्पना की इत्तला प्राप्त होती है, ऐसी इत्तला की संसूचना उस पुलिस अधिकारी को जिसके वह अधीनस्थ है और किसी अन्य अधिकारी को देगा जिसका कर्तव्य किसी ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण या संज्ञान करना है। मतलब ऐसी इत्तला उनको मिल रही है पुलिस अधिकारी को और वो अपने उच्च अधिकारी को उसकी सूचना देगा तुरंत, ताकि उस पर कार्रवाई की जा सके, या उस अधिकारी को सूचना देगा जो जिसके पास उसको निवारण करने का कर्तव्य है या जिसको उसका अधिकार दिया गया है, उस क्षेत्र में उसका अधिकार है करने का, और किसी अन्य अधिकारी को देगा जिसका कर्तव्य ऐसे किसी अपराध किए जाने का निर्माण या संज्ञान करना है। मतलब उनको डिपार्टमेंट हेतु डिपार्टमेंट के आधार पर बांट दिया गया मान लो, तो वो उसको सूचना देगा, अदरवाइज वो अपने उच्च पदस्थ अधिकारी को सूचना देगा और उस सूचना के आधार पर उनसे आज्ञा लेगा या कार्रवाई करवाएगा कि उस जो सूचना मिली है कि कोई संज्ञेय अपराध होने वाला है, उसकी कोई परिकल्पना हो रही है, कोई तैयारी हो रही है, कोई छुपाव है, कोई रखाव है,
और कुछ पूर्वावधानियां बरती जा रही हैं तो उस पर वो तुरंत कार्रवाई करेगा। सेक्शन 150 था, सेक्शन 151 संज्ञेय अपराधों का किया जाना रोकने के लिए गिरफ्तारी। मतलब अब उसके आगे की बात, यदि संज्ञेय अपराध की सूचना मिल गई है और यदि उसको रोकना है तो रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो आवश्यक है गिरफ्तारी की जाए, गिरफ्तार कर लिया जाए ऐसा व्यक्ति जो संज्ञेय अपराध करने वाला है या संज्ञेय अपराध में लिप्त होने वाला है या संज्ञेय अपराध में करने की उसकी संभावना है, तो ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार क्यों न कर लिया जाए। तो उसके बारे में सेक्शन 151 बताता है। नंबर 1, कोई पुलिस अधिकारी जिसे किसी संज्ञेय अपराध करने की परिकल्पना का पता है, ऐसी परिकल्पना करने वाले व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के आदेशों के बिना और वारंट के बिना उस दशा में गिरफ्तार कर सकता है जिसमें ऐसे अधिकारी को प्रतीत होता है कि उस अपराध का किया जाना अन्यथा नहीं रोका जा सकता। मतलब उनको लग रहा है कि कोई संज्ञेय अपराध होने वाला है, उस परिकल्पना के आधार पर इत्तला मिली है और उनको लगता है कि इसको यदि गिरफ्तार ना किया जाए तो रोका नहीं जा सकता, तो वो पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश या वारंट की का इंतजार नहीं करेगा और उस तुरंत गिरफ्तार कर लेगा, क्योंकि उसको उस संज्ञेय अपराध के होने को से निवारण करना है ताकि वो संज्ञेय अपराध हो ना पाए, तो वो उसकी गिरफ्तारी के बिना रोका नहीं जा सकता यदि, तो ऐसे व्यक्ति को वो गिरफ्तार कर लेगा। क्लॉज 2 कह रहा है, उपधारा 1 के अधीन गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के समय से 24 घंटे की अवधि से अधिक के लिए अभिरक्षा में उस दशा के सिवाय निरुद्ध नहीं रखा जाएगा जिसमें उसका और आगे निरुद्ध रखा जाना इस संहिता के या तत्समय प्रदत्त किसी अन्य विधि के किन्हीं अन्य उपबंधों के अधीन अपेक्षित या प्राधिकृत है। नाउ सेक्शन 152, लोक संपत्ति की हानि का निर्माण। वहीं पुलिस अधिकारी को यदि लगता है कि लोक संपत्ति जो है, पब्लिक जो प्रॉपर्टी है, यदि उसको नुकसान हो सकता है और उनकी दृष्टि गोचरता में या उनके समक्ष ऐसा कुछ हो रहा है पुलिस अधिकारी की, तो वो उसका निवारण करने के लिए भी सक्षम है और उसको रोकने के लिए भी वो कार्रवाई करेगा। तो अपन क्लॉज देखते हैं। पहले, किसी पुलिस अधिकारी की दृष्टिगोचरता में किसी भी जंगम या स्थावर संपत्ति को हानि पहुंचाने का प्रयत्न किए जाने पर वह उसका या किसी लोक भूमि चिन्ह या बोया या नौ परिवहन के लिए प्रयुक्त अन्य चिन्ह के हटाए जाने या उसे हानि पहुंचाए जाने का निर्माण करने के लिए अपने ही प्राधिकार से हस्तक्षेप कर सकता है। यदि उनको लगता है उनकी दृष्टिगोचरता में ऐसा कुछ आता है कि कोई इमूवेबल या मूवेबल प्रॉपर्टी है, जंगम स्थावर संपत्ति है, चले अचल संपत्ति है, उसको हानि पहुंचाने के प्रयत्न किए जाने पर वह उसका किसी लोक भूमि चिन्ह, कोई चिन्ह है, कोई नौ परिवहन का चिन्ह है, कोई अन्य चिन्ह है, उसको हटाया जा रहा है, उस हानि पहुंचाई जा रही है, तो उस निवारण करने के लिए अपने प्राधिकार से, मतलब खुद के अपने प्राधिकार से हस्तक्षेप कर देगा और उसको रोकेगा। नाउ सेक्शन 153, बाटों और मापों का निरीक्षण। जो बाट होते हैं जिनसे हम वेट करते हैं, एक 1 kg, 2 kg, 3 kg, 1/2 kg या 500 ग्राम, जो भी जो माप हैं जिनसे माप लिया जाता है, जो स्टैंडर्ड साइज फिक्स हो गए हैं, फिक्स हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उसकी बात कर रहे हैं। नंबर 1, कोई पुलिस थाने का भारत सरकार का अधिकारी उस थाने की सीमाओं के अंदर किसी स्थान में, जब कभी उसके पास या विश्वास करने का कारण है कि ऐसे स्थान में कोई बाट माप या तौलने के उपकरण हैं जो खोटे हैं, वहाँ प्रयुक्त या रखे हुए चिन्हों, रखे हुए किन्हीं बाटों या मापों या तौलने के उपकरण को निरीक्षण या तलाशी के प्रयोजन के लिए वारंट के बिना प्रवेश कर सकता है। मतलब पुलिस अधिकारी को ऐसा लगता है कि उसकी सीमाओं के अंतर्गत बाट या माप ऐसे हैं जो खोटे हैं। खोटे कैसे हैं, मतलब उनको वजन कम कर दिया गया है, उनको तोड़ दिया गया है, उनके खाली भाग, उनमें अंदर कोई खाली भाग कर दिया गया है जिससे कि वो दिखाई ना दे, और उसका जो स्टैंडर्ड साइज़ है वो से कम हो गया है, इसलिए खोटे हो गए हैं। वहाँ प्रयुक्त रखे हुए किन्हीं बाटों या मापों जिनसे माप किया जाता है, तौलने के कोई उपकरणों के निरीक्षण और तलाशी के प्रयोजन के लिए वारंट के बिना उसमें प्रवेश कर जाएगा और उनको चेक कर सकता है। क्लॉज 2 है 153 का, यदि वह उस स्थान में कोई ऐसी बाट माप या तौलने के उपकरण पाता है जो खोटे हैं, तो वह उन्हें अभिग्रहित कर सकता है और ऐसे अभिग्रहण की इत्तला अधिकारता रखने वाले मजिस्ट्रेट को तत्काल देगा। मान लो उसको इत्तला मिली कोई खोटे बाट हैं, माप हैं, तो वह ऐसे स्थान प्रवेश कर जाएगा अपने प्राधिकार से और उनको अपने कब्जे में ले लेगा, अधिग्रहित कर लेगा, और उसकी ऐसे अभिग्रहण की इत्तला अधिकारता रखने वाले जो मजिस्ट्रेट हैं उनके उनको वो सूचना देगा,
तो ये सेक्शन 153 था। दोस्तों आज हमने देखा सेक्शन 149 से लेके 153 तक जो पुलिस का निवारक कार्य था, प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस था, जिसमें पुलिस अधिकारी संघीय मामलों से संबंधित कोई अपराध होते हुए देखता है, उसको इत्तला मिलती है या उससे उसको करने के लिए कोई पूर्वाधन या बतरा है तो ऐसे व्यक्ति को या उसको रोकने के लिए वो गिरफ्तार कर सकता है 24 घंटे में के अंदर जो सीमा में वो के समक्ष उपस्थित कराएगा, या अन्य कोई कारण है या अन्य विधि के अंतर्गत कोई प्राधिकार मिला है तो ऐसा नहीं करेगा। बांट या माप से संबंधित कोई अपराध हो रहा है, खोटे हैं या उससे संबंधित कोई अपराध कर रहा है, कोई संपत्ति नष्ट कर रहा है, लोग संपत्ति है तो उसे रोकने के लिए वो कार्रवाई कर सकता है। तो ये पुलिस के निवारक कार्य देखे। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में हम अध्याय 12 को देखेंगे, जो पुलिस को इत्तला और अन्वेषण करने की शक्ति के बारे में, तो सेक्शन 154 से लेके सेक्शन 173 तक होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक आप अच्छे से मन लगा के तैयारी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।